पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम थाना था लाल सेठ। वो जब भी गांव के बाजार से निकलता था तब लोग उसे नमस्ते या सलाम करते थे। वो उसके जवाब में मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता था और बहुत धीरे से बोलता था कि घर जाकर बोल दूंगा। एक बार किसी परिचित व्यक्ति ने सेठ को ये बोलते हुए सुन लिया तो उसने सेठ को पूछ लिया कि सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि घर जाकर बोल दूंगा। तब सेठ ने उस व्यक्ति को कहा, मैं पहले धनवान नहीं था, उस समय लोग मुझे नाथू कहकर बुलाते थे, और आज के समय में धनवान हूँ तो लोग मुझे नाथा लाल सेठ कहकर बुलाते हैं। ये इज्जत मुझे नहीं धन को दे रहे हैं, इसलिए मैं रोज घर जाकर तिजोरी खोलकर लक्ष्मी जी को यह बता देता हूँ कि आज तुमको कितने लोगों ने नमस्ते या सलाम किया। मैं अभिमान या गलत फहमी नहीं आती कि लोग मुझे मान या इज्जत दे रहे हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। सीख अपने मन में अभिमान मत लाना, क्योंकि लोग पैसे की इज्जत करते हैं, आपकी नहीं।